राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले हलचल तेज आज होगा। राम अर्चना शाम में राम के पौड़ी पर दीपोत्सव और सरयू की आरती तो बाहरी लोगों की एंट्री बंद। देश में एक दिन के अंदर मिले 53,000 नए मरीज, आंकड़ा 18 लाख के पार, 38,000 से ज्यादा मौत, करीब 5,80,000 एक्टिव केसेस। विश्व में नेता उमा भारती ने कहा गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के नेता के संक्रमित होने से चिंताएं बढ़ी, ट्वीट कर पीएम मोदी के लिए जताई चिंता का। भूमि पूजन कार्यक्रम के समय सरयू नदी के किनारे पर रहेंगे। नोएडा में रक्षाबंधन के दिन भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार को ट्रक ने मारी टक्कर, राखी बांधकर लौट रही मां बेटी की मौत, 2 लोग घायल। मुरादाबाद में चावल व्यापारी ने के यहां पर दिन दहाड़े 3 लाख रुपए की लूट, कटरा में दुकान बंद कर ऑटो रिक्शा से घर जा रहा था पीड़ित, बेहोश कर नाले में व्यापारी को फेंका कैश, लूट कर फरार हुए अपराधी। फिरोजाबाद में युवक युवती की संदिग्ध हालत में मौत, युवक की जेब में मिला युवती का फोटो, पुलिस के मुताबिक दोनों ने खाया जहर। संभल में युवक को पीटने का वीडियो वायरल, राहुल नाम के युवक को घर से बुलाकर ले गए थे 2 लड़के, एकांत में ले जाकर युवक की पिटाई, एसपी कार्यालय से 20 कदम की दूरी पर हुई यह घटना। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का कहर, बदमाशों ने घर में घुसकर 6 राउंड फायरिंग की, स्विफ्ट गाड़ी में गोलियां लगने से टूटे शीशे, घर में घुसकर दबंगों ने की तोड़फोड़, परिवार ने भागकर बचाई जान। शामली में 2 गुटों में खूनी संघर्ष में जमकर हुई पत्थरबाजी, लाठी डंडे और धारदार हथियारों के बाद हुई कई राउंड फायरिंग, 8 लोगों के गंभीर होने की सूचना हायर सेंटर किया गया था। यूपी में बारिश के बाद बाढ़ की आहट, एक दिन में 20 से ज्यादा गांव बने टापू, 14 जिलों में बाढ़ से आफत।